नमस्कार, मैं उस नर्स बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं जेके सीएनएन न्यूज और इस पर मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो बजरंग दल है उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया है, जिस तरह से कल जो खबर फैली है दिल्ली से कि एक बॉयफ्रेंड जो और लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके जो है उसको मार दिया गया, उसके जो है 35 टुकड़े किए गए और उसके बाद उनको जंगलों में फेंक दिया गया। उसके बाद काफी सारा जो है वो रोष देखने को मिला लोगों में और अब जो है बजरंग दल द्वारा भी प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट किया गया और पुतला जलाकर जो है वो सरकार के खिलाफ पुतला जलाया गया। ये साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रेस क्लब में, ये साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रेस क्लब में कि किस तरह से यहाँ पे जो है पुतला जलाकर जो प्रोटेस्ट किया गया, प्रदर्शन किया गया। ये साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं और वही जो लड़की के इतने टुकड़े किए गए हैं और उसके बाद जंगल में फेंक दिया गया। ये सब तस्वीरें आप देख सकते हैं बजरंग दल द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया गया और सभी बजरंग दल के जितने भी लोग हैं सभी यहाँ पे प्रदर्शन करें, इनसे बात करेंगे इनका क्या कुछ। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को लेकर है। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि कितनी ही घटनाएं जो हैं वो इस प्रकार की हो चुकी है, जिस प्रकार से दिल्ली के महरौली में ये घटना घटित हुई है। अफ्ताब नाम के युवक ने शरदा नामक युवती को किस प्रकार से प्रेम जाल में फंसा कर परिवार के अगेंस्ट करवा कर उसको अपने साथ लिव इन रिलेशनशिप में रखा। उसके बाद जब युवती ने दबाव बनाया शादी के लिए तो गला दबाव कर उसकी हत्या और 35 टुकड़े कर कर एक नया फ्रिज खरीद कर उसके अंदर उसको रखा गया और उसके टुकड़ों को रोज के वो महरौली के जंगलों में जो है फेंकने का काम किया गया और इस घटना को दबाने का काम किया गया। इनकी सोच किस प्रकार की है ये इस चीज से दर्शाती है कि ये कितनी आगे की सोचते हैं और किस प्रकार से हिंदू युवतियों को बहला फुसला कर और लव जिहाद की घटनाओं के तहत फंसा कर उनका धर्मांतरण करवा कर किस प्रकार से हिंदू युवतियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी घटनाएं हुई है। सूटकेस के अंदर जो है वो युवतियों की डेड बॉडी जो है वो पाई गई है, गला रेप कर जो होटलों के अंदर हुआ युवतियों की हत्या की गई है। और हिंदू हमेशा ये मांग करता रहा है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर केंद्र सरकार जो है वो सख्त कानून बनाए। भाजपा के अश्विनी उपाध्याय जी ने इसके ऊपर एक पीएल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख को कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो अपना स्पष्टीकरण दे कि किस प्रकार से इसको रोकने के लिए वो कानून बनाएगी। और 28 तारीख को इसके ऊपर जो है एक बड़ी सुनवाई जो है लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए है। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इसके ऊपर पहल क्यों नहीं करती, क्यों हिंदू समाज को दबाने का काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। केंद्र सरकार जो हिंदू का दम भरती है और हिंदू युवतियां लगातार लव जिहाद और धर्मांतरण के तहत जो है वो मारी जा रही है या उनको लेके भागा जा रहा है, तो ये सहन हिंदू समाज नहीं करेगा। हिंदू समाज मांग करता है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर सख्त कानून बनाने का काम जो है वो केंद्र सरकार करे। बजरंग दल द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन किया गया, क्या कह रहा है कि जिस तरह से लड़के जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं उसके बाद जो है उनको मार दिया जाता है, उनके जो है जिस तरह से कल घटना सामने है कि उनके 35 टुकड़े की थी उसके बाद फ्रिज में रखा गया और उन टुकड़ों को धीरे धीरे करके एक एक करके जो है जंगलों में फेंका गया, उसी को लेकर आज जो है काफी विवाद जो है वो फैल चुका था और जो लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा था, उसी के कारण जो है आज बजरंग दल द्वारा भी प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि जिस तरह से इस तरह की हरकत जो है वो ऐसे सोच भी कह सकते हैं इस तरह की हरकत करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इस चीज को रोकने के लिए सरकार से गुहार लगाते हुए इन्होंने लगातार प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार को कड़े एक्शन उठाने चाहिए, कड़े कदम जो है उठाने चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो, और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन किया। जनता भी राय वोट बॉक्स में जरूर थी कि उनका क्या कुछ कहना, क्या ये सही है कि गलत और किस तरह से ऐसे आगे जो है वो कारनामे ना बढ़े, इस तरह से जनता भी राय वोट बॉक्स में जरूर रखिए। इसी अपडेट के साथ जुड़ रही देख रहे जेके सीएनएन न्यूज। मुझे बल्कि इस नरेश पोत्र को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।